हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों नागपुर में सबसे सुंदर बुद्ध विहार, जो कि छुपा हुआ है। जी हाँ, हिडन बुद्ध विहार जिसे हम कहेंगे, जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है और वो इतने अच्छे जगह पे, अच्छे लोकेशन पे है। आप देख सकते हैं कि मेरे आजू बाजू का जो एरिया है पूरा ग्रीनरी है यहाँ पे, तो काफ़ी सुंदर बुद्ध विहार है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो रास्ता जाता है ये हिंगना जाता है, और ये हिंगना में लेफ्ट साइड में टी पॉइंट पे ही ये बुद्ध विहार बनाया गया है, और यहाँ पे ये है स्वयंदीप विपश्यना केंद्र। काफ़ी सुंदर इसका आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा, ऊपर स्तूपा के जैसे बनाया हुआ है। भगवान बुद्ध की काफ़ी सुंदर प्रतिमा इस बुद्ध विहार के अंदर है। तो हमें जाना है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी कीचड़ है, बारिश हुई होगी कल रात को, तो हम इधर जाते हैं। यहाँ पर ये जो है ये है लाइब्रेरी, वाचनालय यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ पर बनाया हुआ है दोस्तों प्लेग्राउंड बच्चों को खेलने के लिए। यहाँ पर दोस्तों पंचशील का ये झंडा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम इधर बढ़ते हैं आगे मेन गेट से, तो यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति है। यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं यहाँ पर इंग्लिश में और मराठी में। यहाँ पर बाबा साहब की काफ़ी सुंदर प्रतिमा आपको देखने को मिलेंगी, और ये देख सकते हैं इस तरह का ये यहाँ पे ये कलाकारी की गई है। यहाँ पे आप ये गार्डन देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर। बुद्ध विहार जाने के लिए चार रास्ते बनाए गए हैं दीक्षा भूमि की तरह। हम इस मेन गेट से अंदर एंट्री करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाबा साहब की जो पुतला है उनका जो अनावरण किसने किया था, तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये देख सकते दोस्तों बाबा साहब की मूर्ति, काफ़ी सुंदर सा यहाँ पे गार्डन है। और ये है स्वयंदीप विपश्यना केंद्र, यहाँ पर दोस्तों मेडिटेशन किया जाता है, और काफ़ी सुंदर मूर्ति है। मेरे ख्याल से थाईलैंड की संस्कृति दिखती है उस मूर्ति में। यहाँ पे हमें शूज़ वगैरह निकालना है। बस्ती से जुड़ा हुआ रास्ता यहाँ से है, लोग बस्ती से आते हैं, किसी कोई हाईवे से आता है तो हाईवे के लिए इधर से है। तो ये है दोस्तों इस विपश्यना केंद्र का एंट्री गेट। चलो चलते हैं अंदर, मैं अपने शूज़ निकाल लेता हूँ और फिर हम अंदर में एंट्री करते हैं और दिखाता हूँ आपको अंदर का नज़ारा। देख सकते हैं आप बाहर से भगवान बुद्ध की कितनी सुंदर प्रतिमा है, अंदर जाके आपको दिखाता हूँ दोस्तों कैसी है। हमने शूज़ निकाल लिए और देख सकते हैं हम अंदर अभी एंट्री कर रहे हैं। देख सकते हैं आप भगवान बुद्ध की काफ़ी सुंदर प्रतिमा है, मन को मंत्रमुग्ध करने वाली प्रतिमा है दोस्तों ये। और जिस तरह से इसका आर्किटेक्चर है मूर्ति का, ये मेरे ख्याल से मैंने ऐसे बैंकॉक या थाईलैंड में देखे थे ऐसी मूर्तियाँ, उस तरह का है। काफ़ी अच्छी सजावट की गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर वगैरह है, जब बुद्ध वंदना होती होगी तो ऊँची आवाज़ में सुनाई दे इसलिए। इधर बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप एक छोटी सी भगवान बुद्ध की मूर्ति है यहाँ पे, ये जो है उसी की प्रतिकृति है। ये छोटी है, ये बड़ी है, देख सकते हैं आप। बाप रे, मैं इस जगह का लोकेशन डाल दूँगा, आप भी यहाँ पर आकर विज़िट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान बुद्ध को नमन कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कितनी सुंदर प्रतिमा है ये दोस्तों। इसका आर्किटेक्चर देखिए, ऊपर अशोक चक्र बनाया गया है एकदम मिड में, वाह। और यहाँ से ये एंट्री है दोस्तों, यहाँ भी एक रास्ता है, जैसे मैंने बताया था कि चारों तरफ से रास्ता है इसका, चारों तरफ से हम आ सकते हैं। और इस तरफ देखिए बाबा साहब की फ़ोटो यहाँ पर रखी गई है, जय भीम नमो बुद्धाय। काफ़ी सुंदर प्रतिमा दिख रही है दोस्तों, मतलब मन को मोह लिया है मेरे और मंत्रमुग्ध हो गया हूँ मैं। इतनी सुंदर प्रतिमा है ये भगवान बुद्ध की, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरवाजे पर, लकड़ी के दरवाजे पर भी अशोक चक्र है, भगवान बुद्ध का हाथ है। इस तरफ हिरण बनाया गया है, तो काफ़ी सही नज़ारा है। तो ये देखिए अशोक चक्र मेन गेट, यहाँ से हमने एंट्री किए, ये देख लीजिए एक बार ये हिरण है यहाँ पे, दोनों साइड में बनाया गया है काफ़ी प्यारा। और ये अशोक चक्र, भगवान बुद्ध का हाथ, और इस तरफ ये मूर्ति, और ये रहा उसका आर्किटेक्चर। मूर्ति के पीछे भी आप देख सकते हैं कि पूरा वो लकड़े का बनाया हुआ है सेटअप, मतलब ऐसा पर्दा लगता है ऐसा पर्दा लगाते हैं और फिर कुछ उसकी साफ़ सफाई वगैरह करते होंगे मूर्ति की, उसके लिए वो है। बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर लगा यहाँ पे आके। दोस्तों हम आ गए हैं बाहर, यहाँ पे लिखा है स्वयंदीप विपश्यना केंद्र। यहाँ पे ये गार्डन बनाया गया है पूरा स्तूप के आजू बाजू में, और काफ़ी अच्छी सजावट है आप देख सकते हैं। यहाँ से ये मेट्रो जाती है ऊपर से, अभी पेड़ से ढक गई है शायद, ये दिख रहा होगा, ये मेट्रो है, ये हिंगना जाने का रास्ता है।
और हम टी पॉइंट पे खड़े हैं अभी। ये हिंगना का ये स्टेशन है, यहाँ पे उसी के पास में ये आपको लेफ्ट साइड में ये विपश्यना केंद्र मिलेगा। इसका देख सकते हैं आप, स्टील की खिड़कियाँ बनाई गई है, एक तरफ अशोक चक्र है, यहाँ पे पीपल का पत्ता यहाँ पे लगाया गया है। बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको बता दूं कि नागपुर में इतना सुंदर बुद्ध विहार और इतनी सुंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं, इसलिए मैं इसको छुपा हुआ है हिडन बुद्ध विहार कहूँगा। अगर आपको भी यहाँ पे आना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो लोकेशन है, लाइव लोकेशन, वो डाल दूंगा, ताकि आप यहाँ पे आ सको। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को ज़रा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम।